गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग जॉस टेलीग्राम ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर की तरफ से कोविड 19 के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है उसी के कारण में तुम लोगों का रिक्वेस्ट में हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और उसके साथ मैं उम्मीद रखूँगा तुम लोग भी हमारे साथ ये ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हो और हर दिन हमारे ये ऑनलाइन क्लास में क्लास देख रहे हो तुम्हारा मोबाइल यूट्यूब से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लॉकडाउन के शुरू से ही कई क्लास हम लिए और पिछले क्लास में हम जो कैशबुक के बारे में बता रहे थे वो हम उसका डेफिनेशन भी लिखाए थे और उसका कैटेगरी कितना कैटेगरी है वो भी हम समझाए थे। उसमें सिंगल कॉलम कैशबुक एंड डबल कॉलम कैशबुक जो कैटेगरी है सेकंड कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी वो भी हम समझाए थे, उसका प्रोफॉर्मा भी किए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो अभी तक कॉमर्स में अभी तक रिजल्ट निकला नहीं माध्यमिक में, इसीलिए कुछ स्टूडेंट अभी तक कॉमर्स लिए नहीं, इसीलिए कैशबुक में कैसे एंट्री होता है और कौन अकाउंट कैशबुक का डेबिट साइड का कैश कॉलम में कैशबुक का डेबिट साइड का बैंक कॉलम में और कैशबुक का क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में क्या पोस्टिंग होता है वो समझ में नहीं आते, इसीलिए मैंने एक की पॉइंट रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक प्रश्न क्वेश्चन रखा है, तो यहाँ पर विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ डबल कॉलम कैशबुक। तो डबल कॉलम कैशबुक में डेबिट साइड में बैंक या एंड क्लास कॉलम में कौन सी ट्रांजेक्शन का एंट्री होता है, कौन से अकाउंट यहाँ पे आते हैं वही हम दिखाएं। बाद में हम क्रेडिट साइड का भी कैश कॉलम और बैंक कॉलम समझाएंगे। तो देखो कैश कॉलम में ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड नहीं है, ये सिर्फ डेबिट साइड का दोनों कॉलम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ट्रांजेक्शन में है तो उसमें जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का तो कैश कॉलम में डेबिट साइड का कैश कॉलम में पहले लिखना है। तो और कैश कॉलम में क्या लिखना है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से किसी पैसा कंपनी के तरफ से उठाया गया है और कंपनी का एक्सपेंसेस के लिए ऑफिस यूज के लिए तब जाके यहाँ पर कैश कॉलम में पोस्टिंग होगा डेबिट साइड में, डेबिट साइड डबल कॉलम कैशबुक का डेबिट साइड का कैश कॉलम में पोस्टिंग होगा। और ऑल कैश रिसीव जिस कारण में जैसे सेल के लिए कुछ रुपया आए हैं इसीलिए वो कैश कॉलम डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम में पोस्टिंग होगा। और बीआरआर चेक्स, अगर ये डिपॉजिट अभी तक बैंक में नहीं हुआ है तो इस चेक के लिए चेक रिसीव के लिए यहाँ पर कैशबुक का डबल कॉलम कैशबुक का कैश कॉलम में पोस्टिंग होगा। और हमारा कुछ बिल रिसीवेबल है उसमें डिस्काउंट दिया गया है उसका अगेंस्ट में अगर कुछ कुछ डिस्काउंट हमको मिला है तो उस लिक्विड कैश में तो उस एंट्री को हम डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखना है। तो मैं अभी बैंक कॉलम में जाते हैं लेकिन डेबिट कॉलम का डेबिट साइड का बैंक कॉलम में जाते हैं डबल कॉलम कैशबुक जैसे हो। तो डबल कॉलम कैशबुक क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक का जो स्टेटमेंट में है तो बैंक स्टेटमेंट लाने के बाद उसमें जो टोटल बैलेंस है उस डेट का व उस महीने का तो वो ओपनिंग बैलेंस में डाल देना है बैंक कॉलम में। ऑल अकाउंट पे चेक, अगर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर किसी को हम अकाउंट पे चेक दिए हमारा कोई कस्टमर हमारा कोई आउटस्टैंडिंग हमारा है किसी को चेक दिया है तब जाके उसको हमको डेबिट कॉलम में है कस्टमर तो अकाउंट पे चेक होगा। तो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, अगर हम बैंक कुछ रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है तो हमारा बैंक कॉलम का डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में कॉन्ट्रा एंट्री कह लेते हैं हम, बाद में ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ के बारे में चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर कैश बैंक कॉलम में क्या होता है, चेक्स डिपॉजिट इनटू द बैंक, कुछ चेक्स हमको मिला है उस चेक्स को हम अगर डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट करेंगे तब जाके हमको बैंक कॉलम में डेबिट साइड का बैंक कॉलम में पोस्टिंग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, हमारा कुछ रुपया बैंक में है अगर उस रुपया के आधार पे हमको
बैंक हमको इंटरेस्ट देंगे, तो वो डायरेक्टली डेबिट साइड का बैंक कॉलम में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारा कैश बुक में हमको पोस्टिंग करना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट एंड अमाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक, अगर बैंक हमारा लिए कोई काम करेगा तो हमारा अकाउंट से कुछ पैसा वो डिस्काउंट के जरिए काट लेंगे। तो इसी और डिस्काउंट बिल्स अगर एंडोर्स किया तो तब जाके ये डेबिट साइड का बैंक कॉलम में होता है। कैश और चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई डेटर्स इन आवर बैंक। अगर कुछ कस्टमर हमारा रुपया डायरेक्टली हमारा अकाउंट नंबर से डिपॉजिट किया हो तो तब जाके हमारा बैंक में वो रुपया आएगा, इसीलिए बैंक कॉलम में वो डेबिट होगा। तो ये एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट ये नहीं है, ये बाएं तरफ का सिर्फ डेबिट का डेबिट कॉलम डबल कॉलम कैशबुक में डेबिट कॉलम में जो कैश कॉलम और बैंक कॉलम होते वही हम समझाएंगे।